हेलो हाय हाउ आर यू। आपने कार्टून करेक्टर डोनाल्ड और डफी बतख के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने असल में इन बतखों का सामना किया है, यानी कि नदी या तालाब में कभी तैरते हुए ने देखा है? तो शायद आपको पता होगा कि सफेद के अलावा भी कई रंगों में बतख पाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं बतखों की रंग बिरंगी दुनिया के बारे में। तालाब या झील में सफेद रंग के पक्षी को अगर आपने तैरते हुए देखा है तो आपको उसका नाम भी मालूम होगा। गोल मटोल धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर चलने वाला ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि बतख है, जिसे कि हम अंग्रेजी में डक कहते हैं। जब ये पानी में एक झुंड में तैरती हैं तो ऐसे लगता है कि मानो कोई नाव चल रही हो। ऐसे में दुनिया में बतखों की 40 प्रजातियां अब तक खोजी जा चुकी हैं। वैसे इनके रंग अलग तो हैं, लेकिन इनका रहन सहन भी अलग है, और इनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अंटार्कटिका जैसे बर्फीले इलाकों में भी देखी जा चुकी है। सिर्फ यही नहीं, ये जलीय जीवों और पौधों के लिए भी हैं काफी फायदेमंद। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो झील या तालाब में बतखों की चहलकदमी फायदेमंद है। क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो झील में होने वाली उथल पुथल पानी में ऑक्सीजन बढ़ाने में सहायक होती है, और बतखें तैरते हुए यही काम करती है। ऐसे में अगर बात की जाए इन बतखों के बारे में तो फॉस्फेट जहां पानी में हरे शैवालों की संख्या बढ़ाने में मददगार है, तो दूसरी तरफ हरे शैवाल सूरज की किरणों से क्रिया कर ऑक्सीजन बनाते हैं। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बतख हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। इसी के साथ पंख रहते हैं हमेशा साफ। खुद को कैसे साफ सुथरा रखना है, ये बातें बतख भली भांति जानती हैं। और बतख की चोंच चौड़ी होती है और इनमें दांतेदार किनारे होते हैं। ऐसे में दांतेदार किनारे की मदद से ही ये अपने पंखों को संवारती रहती है, और जैसे कि आप कंघी करते वक्त अपने बाल संवारते हैं, इसलिए इनके पंख हमेशा साफ सुथरे और अच्छे बने रहते हैं। और इनके पंख भले ही छोटे और नुकीले हों, मगर मजबूत जरूर रहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि पानी में ये कैसे तैर लेते हैं, तो बतख के पैरों को कभी गौर से अगर आपने देखा हो तो इनके पाँव की उंगलियां एक झिल्ली की मदद से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और जिसे कि हम कह सकते हैं कि तैरते समय यही पैर पतवार की तरह काम करते हैं। वहीं ठंडे पानी में बतख कई घंटे तक तैरती रहती है, तो क्या इनके पैर ठंड से जमते नहीं है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बतख के पैरों में नसें या रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, इसीलिए इन्हें ठंड का अनुभव नहीं होता, चाहे ये बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैर रही हो या फिर साधारण पानी में। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये खाती क्या है, तो बतख की कुछ प्रजातियों का ज्यादातर समय पानी में बीतता है, और जाहिर है कि इनका भोजन भी जलीय जीव या पौधे ही होते होंगे। मतलब इनका आहार है जलीय पौधे के अलावा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाना। तो चलिए बात करते हैं रंग बिरंगी बतखों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, जिसके पहले नंबर पर आती है मालार्ड। दरअसल इस प्रजाति की बतख ज्यादातर नदियों तालाबों और झीलों में दिखती हैं, और ये बतखें अन्य प्रजातियों की बतखों के साथ ही आसानी से घुल मिल जाती हैं। नर बतख ज्यादा कलरफुल होती हैं, नीले हरे रंग का सिर और घुंघराली पूंछ इनकी खास पहचान है, जबकि मादाएं भूरे रंग की होती है। नंबर दो पर आती है रिंग नेक्ड डक। तस्वीर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्हें रिंग नेक्ड डक क्यों कहा गया है। दरअसल गर्दन पर ब्राउन रंग का रिंग बना होता है, हालांकि इसे देखना मुश्किल होता है, और इसके अलावा चोंच के पास और शीर्ष पर ग्रे रंग का रिंग बना होता है। नर और मादा दोनों का सिर चोटीदार होता है, लेकिन नर बतख के पंख ज्यादा चमकदार होते हैं, और ये बहुत ही शानदार गोताखोर होते हैं, जो कि 40 फीट अंदर जाकर जलीय पौधों को भी खा सकते हैं। नंबर तीन पर आती है मैंड्रीन डक। अब रंग बिरंगे दिखने वाली ये बतखें देखने में वुड डक की तरह ही दिखाई देती हैं, मगर इनके सिर और गर्दन के पास लंबे लंबे बाल होते हैं जो झालर की तरह दिखाई देते हैं, और ऐसे में ये एशिया, रूस और जापान में ज्यादातर पाई जाती हैं। इसके अलावा यूके में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। चीनी लोग दरअसल सुखी जीवन जीने के लिए ही इनको प्रतीक के रूप में अपने घर में रखते हैं। नंबर चार पर आती है वुड डक। मीठे जल में रहने वाली वुड डक के रंग बिरंगे पंखों को देख ऐसा लगता है कि किसी कलाकार ने सारे रंग इसके ऊपर ही उड़ेल दिए हों। और रंग इसका ऐसा होता है कि नर बतख पर सफेद रंग के स्पॉट होते हैं, जिनकी आंखें वाइब्रेंट लाल होती हैं, और जबकि मादा बतख की आंखें सफेद और शरीर भूरे रंग का होता है। नर व मादा दोनों के सिर पर पंखों का घुमावदार और चमकदार गुच्छा होता है, जो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और ये बतखें थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की होती हैं, और उत्तम पक्षी मैक्सिको समेत ये उत्तर अमेरिका में भी पाई जाती है।
आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5 पर आती है नॉर्दर्न पिनटेल। दरअसल जहाँ ज्यादातर अन्य बतखें छोटी गुच्छेदार पूंछ वाली होती हैं, वहीं नॉर्दर्न पिनटेल की पूंछ लंबी और पतली होती है जो ऊपर की तरफ उठी होती है। तो उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाली इस बतख का मुख्य भोजन जलीय पौधे, मछलियाँ और अन्य जलीय जीव होते हैं और ये जमीन और पानी में रहने के साथ उड़ भी सकती है। तो कैसे लगे आपको ये बतखों की रंग बिरंगी दुनिया? वैसे मेरी तो फेवरेट मैंडरिन डक है। इसी के साथ आपकी कौन सी फेवरेट है कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना।